हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, समझ में होंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जो एसएससी जीडी की टोटल कितनी पोस्ट आने वाली, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या हाइट रहेगी, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, कहां से तैयारी कर सकते हो, पूरा इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एसएससी जीडी 2023-2024 में आपकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वो कितनी आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी डाटा मिले हमें उसके हिसाब से लगभग आपकी 60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। कितनी? 60,000 के आसपास से, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 60,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, 24 नवंबर से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट है, 28 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कितने? 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम डेट है दोस्तों वो कल आ चुकी है, आपके 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और 12 मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। बीच बीच में कुल 15 के आसपास दिन में आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम डेट आ चुकी है, आप देख लो नवंबर से आप फरवरी के बीच में कितना टाइम आपको मिलेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग आपको 3 मंथ मिलने वाले हैं, ठीक है। 3 मंथ आपको मिलेंगे, आपको 3 मंथ में तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। 3 मंथ में आपको तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है वो आगे हम बात करेंगे। उससे पहले आगे मैं बताता हूँ भाई, क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, 10th पास, ठीक है। आप 10th पास हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आता है, कितने नंबर का आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले आपका क्या क्या आएगा इसमें, एक तो रीजनिंग आएगी, ठीक है, रीजनिंग का एक पोर्शन आएगा, मैथ्स आएगी, जीके आएगा, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में से आपका ऑप्शनल आएगा, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सिलेबस में आपके ये 4 चीजें आएंगी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिंदी और इंग्लिश। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आपके सिलेबस है दोस्तों, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है और ये हैं आपके मार्क्स। देखिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 जीके के, 20 हिंदी और इंग्लिश में, कोई भी आप ऑप्शनल चुन सकते हो। जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों वो 40 नंबर के आएंगे, कुल आपके ये 80 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आपके 80 क्वेश्चन हो गए टोटल, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो कितने नंबर हो गए टोटल, 160 नंबर का आपका पेपर आएगा दोस्तों। 80 क्वेश्चन आएंगे और जो टाइमिंग मिलेगा आपको एग्जाम करने के लिए वो मिलेगा 60 मिनट, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं कि सर तैयारी कहां से करें, तो आप किसी भी, मैं आपको बता देता हूं, सवाल आता है कि सर तैयारी कहां से करें, तो ये किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की सबसे बेस्ट बुक है, इसमें 83 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के 83 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप यहां इस विद सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप इस बुक से अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा मोटा मोटा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करता हूं दोस्तों इसका सिलेबस की बात होगी भाई, इसकी एज क्या है, इसकी एज के बारे में बात करता हूं दोस्तों, तो एज के बारे में बात करूंगा तो जनरल कैटेगरी की जो एज है दोस्तों यूआर की, आपकी होगी दोस्तों 18 साल से लेकर 23 साल तक, ठीक है, 18 साल से लेकर 23 साल तक आपकी एज यूआर कैटेगरी के लिए रहेगी। ओबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो मतलब आप कितना कह सकते हो 18 से लेकर 26 साल तक, और एससी और एसटी को आपको मिलेगा 5 साल की छूट, तो आप कितना कह सकते हो 18 से लेकर 28 साल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी रहेगा एज क्राइटेरिया। आगे बात करते हैं दोस्तों फिजिकल, फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में बॉयज के लिए 5 किलोमीटर रनिंग है, बॉयज के लिए है 5 किलोमीटर रनिंग, कितने देर में, वो है आपकी 24 मिनट में, कितनी, 24 मिनट में। और गर्ल्स के लिए क्या है दोस्तों, गर्ल्स के लिए क्या है दोस्तों, गर्ल्स के लिए है 1600 मीटर रनिंग, कितनी, 1600 मीटर रनिंग, कितनी, 8.5 मिनट में। ये आपका रहेगा फिजिकल का स्टैंडर्ड, ठीक है, क्या रहेगा, ये आपका रहेगा फिजिकल का। ये सारी चीजें आपका फिजिकल और एग्जाम होने के बाद में, तो आपका एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पी रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में क्या क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो अलग से लेके आऊंगा, ठीक है, पूरी वीडियो एक अलग से लेके आऊंगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी भर्ती है, 60,000 प्लस पदों पर आने वाली है, 3 महीने आपको समय मिलेगा पढ़ने के लिए। सिलेबस बता दिए, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है,
ठीक है, क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है। बाकी कोई भी दिक्कत होता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।